अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक मंदिर है, शिवजी का मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है और बताते हैं वहाँ काफ़ी विशाल प्रतिमा है मंदिर में, तो वहीं चलते हैं सीधे। और अभी मैं स्टेशन रोड, यहाँ से स्टेशन रोड है और यहाँ से अभी हम जाएंगे, इस रोड को फॉलो करेंगे तो यहाँ से मंदिर पड़ेगा, तो चलिए मंदिर चलते हैं। तो अभी हम टू व्हीलर के माध्यम से निकल चुके हैं शिव शक्ति धाम, जो कि उमरिया में स्थित है। हालांकि जब भी आप शहडोल से कटनी जाते होंगे या शहडोल से उमरिया आते होंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेन में ही दिखलाई देता होगा, एक बहुत विशाल मूर्ति है भगवान भोलेनाथ जी की, तो वो दूर से ही स्पष्ट तौर से आप देख सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे अंडरपास बना हुआ, अंडरपास हम पार कर गए हैं और यहाँ से हम, जैसा कि रोड बना हुआ, इसी रोड से हम जाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और बतला दूँ कि इसी रोड से आप सीधे जाते हैं तो यहाँ पर ज्वालामुखी माता जी का मंदिर है, यही रास्ता है वहाँ जाने के लिए। और ये देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, यहीं कुछ ही दूरी पर ज्वालामुखी माता जी का मंदिर है। और आज हमारे साथ दो मेहमान भी हैं, रुद्र जी हैं और प्रांशु जी हैं। ये देखिए, बीच में रुद्र जी बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी हाय किया था। और जैसा कि मैं आपको बतला रहा था कि इसी मार्ग में ज्वालामुखी माता जी का मंदिर पड़ता, तो ये देखिए ज्वालामुखी माता जी का मंदिर है जो कि उमरिया में स्थित है। और अभी इस वक्त हम उमरिया स्थित शिव शक्ति धाम जा रहे हैं और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा भव्य मंदिर लग रहा है। और मैं प्रयास करूँगा कि नवरात्रि के समय मैं यहाँ आकर आपको दर्शन जरूर कराऊँ और स्वयं भी दर्शन करूँ। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और ये छोटी छोटी गलियाँ काफ़ी आकर्षक लग रही हैं और दोनों ओर मकान वगैरह भी बने हुए हैं। और अभी हमें एक अच्छा रास्ता मिल गया है, यहाँ पर देख सकते हैं रोड वगैरह अच्छी बनी हुई है और काफ़ी हरियाली नुमा जो क्षेत्र मुझे दिखलाई दे रहा है। और चूँकि अभी पतझड़ का समय चल रहा है तो फिर भी यहाँ पर जो हरियाली बनी हुई है, तो मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ कि जब हम रेनी सीजन में आएंगे, बारिश के मौसम में, तो यहाँ का नज़ारा ही बहुत सुंदर रहेगा, देखने लायक होगा। और कुछ ही समय में हम पहुँच जाएंगे शिव शक्ति धाम जो कि उमरिया में स्थित है। और यहाँ पर कुछ खेत वगैरह भी दिखलाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी मुझे फसल लग रही है। और रास्ता अल्टीमेट है, एकदम मतलब सरल है, सुगम है, आने जाने में कोई कठिनाई नहीं है। और यहाँ पर आगे चल के हमें दिखलाई दे रहा है रेलवे ट्रैक बना हुआ है जहाँ से हम आते हैं जब शहडोल से जाते हैं उमरिया की ओर या कटनी की ओर। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आकर्षक व्यू है, देखकर अच्छा लग रहा है। और अभी हम आगे से लेफ्ट टर्न ले लेंगे, बाएं मुड़ जाएंगे, सीधे नहीं जाएंगे। और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न मुड़ जाते हैं और यहाँ से सीधे ही हमें दिखलाई दे रहा है, दूर से ही भगवान जी शायद दिखलाई दे रहे हैं। और यहीं पर शिव शक्ति धाम भी है और आवासीय कॉलोनी है, चारों ओर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्षेत्र है। आ गए यहाँ पर, आवासीय कॉलोनी है, आवासीय कॉलोनी के पास में यहाँ पे देख सकते हैं अर्धनारीश्वर शिव मंदिर है, काफ़ी अच्छा शिव मंदिर है। हालांकि अभी हमें एंट्री नहीं मिल पाएगी क्योंकि मंदिर बंद है, फिर मैं आपको बाहर से दिखला देता हूँ। यहाँ का जो आसपास का जो वातावरण है वो काफ़ी स्वच्छ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते का बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आपको दिखला दूँ और मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। चलो कोई नहीं, अब अगली बार जब भी हम आएंगे तो ऐसे समय में आए कि मंदिर के अंदर हम आपको दिखला दें भगवान को। जी हाँ, शिव शक्ति धाम उमरार सिटी खलेसर उमरिया के नाम से है, तो आपको बाहर से ही दर्शन करवा देता हूँ। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर आकर और भगवान जी हैं। हालांकि आप ये भी एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि भगवान जी की मूर्ति में जगह जगह मधुमक्खी के छत्ते वगैरह बन गए हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है और मधुमक्खी। तो बस दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और जीवन में खुशहाली लाएं। और प्रयास करेंगे कि अगली बार जब भी हम यहाँ पर आएँ तो आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराएँ, क्योंकि यहाँ और भी कई सारे जो मूर्तियाँ हैं भगवान जी की और काफ़ी अच्छा गार्डन भी है। और ठीक है, तो फिर मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में और बने रहे हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।